हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे सामने है TVS की iQube इलेक्ट्रिक, फुल्ली इलेक्ट्रिक बाइक है ये दोस्तों। TVS की तरफ से देख सकते हैं, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो बाइक है वो अभी TVS की ही है। ओला और एथर के बाद जो है ये TVS की जो बाइक है वो मार्केट में ये तीन ही बाइक जो है अभी कमाल मचा रखी है। देख सकते हैं, ये की मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये बेसिकली ये किसी कार की नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं, ये इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की है। देख सकते हैं, ये फ्लिप वाला जो की है वो हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इसमें हमें टोटल ऑप्शन जो है कलर का, इसमें 11 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये हमारे सामने जो है वो ग्रे कलर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को हम सामने से स्टार्ट करते हैं। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या प्राइसिंग है और क्या माइलेज है, और इस बाइक को आप कितने में आप अपने घर खरीद के ले जा सकते हैं। तो चलिए हम फ्रंट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो सामने से इसमें की इंसर्ट करके, कि आगे से जो DRL की जो लाइट है वो हमें देखने में कैसी लगती है। देख सकते हैं, काफ़ी शानदार लुक है आगे से फ्रंट से। देख सकते हैं, ऊपर में जो है वो DRL की यहाँ पास प्लेसमेंट, और इधर में जो है स्मार्ट कनेक्ट की बैजिंग देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर का जो विंड शील्ड प्रोटेक्शन है, ग्रे कलर का यहाँ पास जो है वो वाइजर हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो जगह छोड़ा गया है वो साइड मिरर के लिए छोड़ा गया है, वो एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्रेक लीवर है सिल्वर में हमें देखने को मिल जाता है। और वही हम नीचे में आए तो देख सकते हैं, TVS की जो ब्रांडिंग है, लोगो, वो देखने को मिल जाता है। दो पार्ट में शॉटअप हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पास जो इलेक्ट्रिक की जो बैजिंग है वो हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पास ब्लैक कलर और ग्रे कलर का मिक्सर जो है वो काफ़ी शानदार देखने में लगता है। और LED इसमें टर्न सिग्नल भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी शानदार है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो हाई बीम लो बीम दोनों इंटीग्रेटेड है इसमें LED सेटअप। नीचे में फाइबर का जो है वो मडगार्ड हमें देखने को मिल जाता है। और इसमें जो है डायमंड कट LY जो कंपनी ने दिया है वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल जाता है। इसको देख सकते हैं, जो टायर साइज जो है वो हमें 19x12 सेक्शन की हमें इसमें टायर साइज जो है ट्यूबलेस टायर साइज उसमें हमें देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दोनों साइड हमें देखने को मिल जाता है। इसमें हमें डिस्क का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। देख सकते हैं, यहाँ पास जो डिस्क का ऑप्शन हमें रिपोर्ट चीज देख सकते हैं। यहाँ पास मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक जो है वो ब्लिंकिंग कर रहा है लाइट के फॉर्म में, यहाँ TVS की जो ब्रांडिंग है वो। और इधर देख सकते हैं, जो ग्रे कलर में iQube की बैजिंग इलेक्ट्रिक वाली वो 3D में यहाँ देखने को मिल जाती है। और यहाँ से आप जो है वो शिफ्ट को भी ओपन कर सकते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, इसमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। देख रहे हैं यहाँ फुट पैक्स, देखिए कितने स्पेस है हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। वहीं यहाँ से आप जो स्कूटी को है वो चार्ज कर सकते हैं, फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग दोनों का इसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है। जो 0 to 80% कंपनी क्लेम करती है कि 4 से 6 घंटा में हमें इसमें देखने को मिल जाता है। और फास्ट चार्जिंग जो है वो काफ़ी, जो 3 से 4 घंटे के अंदर फास्ट चार्जिंग 0 to 100 में हो जाती है। और वही हम इधर में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो टोइंग हुक है यहाँ पास 1 से 2 KG के आसपास आपको हुक भी दिया गया है, कैरी बैग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बाइक की अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो, और ये साइड स्टैंड लगा हुआ है, इसमें डबल स्टैंड का ऑप्शन नहीं है, इसमें डबल स्टैंड आता ही नहीं है। कंपनी को देना चाहिए डबल स्टैंड, बट दिया नहीं है। मैं बता देता हूँ इसमें कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस कितना मिल जाता है। 157 mm का इसमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। 2 घंटा 50 मिनट में आप फुल भी चार्ज कर सकते हैं फास्ट चार्जिंग के थ्रू, तो ये एक काफ़ी बेनिफिट ऑप्शन है हमें देखने को मिल जाता है। और ये जो बाइक की जो टोटल वेट है 128 kg का वेट हमें देखने को मिल जाता है। बूट की मैं इसमें बात कर रहा था, मैं आपको बूट दिखा देता हूँ। बूट जो है इसमें हमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ बूट स्पेस हमें इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि 17 लीटर का कंपनी जो है वो बूट स्पेस बताती है। देख रहे हैं, काफ़ी ह्यूज बूट स्पेस यहाँ पर। डबल फेसिंग हेलमेट आप आराम से रख सकते हैं, या फिर चार्जिंग और
जो चार्जर है वो और ये आपका हेलमेट भी इसमें साथ में आ जाएगा। तो अगर एक चीज़ कंपनी इसमें बहुत ही मतलब जो है वो ख़राब मेरे तौर पर लगता है, जैसे कि देख सकते हैं 10,828 रुपये ये चार्जर का अलग से जो कॉस्टिंग है वो कंपनी चार्ज करती है आपको। इधर पीछे देख ले तो यहाँ पर जो है पार्क असिस्टेंस, मतलब कि इस बाइक में जो है वो रिवर्स का भी ऑप्शन है, आप डिजिटल मोड के थ्रू रिवर्स करके आप पीछे बैक की तरफ भी आ सकते हैं। पीछे में भी बैक लाइट जो है वो LED सेटअप में है और इंडिकेटर भी है वो LED फॉर्म में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर TVS के लोगो लाइसेंस प्लेट की जगह यहाँ पर रिफ्लेक्टर लाइसेंस प्लेट के नीचे जो है वो लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं साइड में रिफ्लेक्टर भी हमें प्लेस मिल जाता है। वही इसमें जो है वो BLDC मोटर जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। और इसमें अगर हम टायर साइज़ की बात कर लें तो पीछे भी हमें ट्यूबलेस टायर जो है वो देखने को मिल जाता है। इसमें भी हमें सेम वही 19x12 इंच का हमें टायर इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेटर है। कंपनी क्या करती है कि फ्रंट वाली जो है वो टायर जो इलेक्ट्रिक बाइकों में या स्कूटी में फ्रंट में ज़्यादा और पीछे में छोटा कर देता है, तो ये TVS की तरफ से काफ़ी अच्छी बात है कि दोनों सेम टायर को जो है वो सेम रखी है। मतलब कि साइड स्टैंड कट ऑफ भी है इसमें, बेसिकली आप जैसे साइड स्टैंड लगाते हैं तो आपकी जो बाइक है ये पार्किंग मोड में चली जाती है, तो मतलब ये काफ़ी सेफ्टी फीचर के तौर पे भी माना जाता है। चलिए तो इस बाइक के जो है वो कंसोल मीटर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देख सकते हैं इसका कंसोल मीटर जो है वो काफ़ी डिजिटल रखा गया है, सॉर्ट ऑफ कितनी खूबसूरत आप देख रहे हैं यहाँ पास वेलकम IQ लिखा हुआ यहाँ पास मिल जाता है। और स्विचेस की हम अगर बात कर लें यहाँ पर देख सकते हैं स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पास, हाई बीम लो बीम। और इधर देख सकते हैं हॉर्न की जो स्विचेस है, इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है यहाँ पास, हैंडल बार भी देखने को मिल जाता है, जो ब्रेक लीवर है वो भी देखने को हमें मिल जाता है काफ़ी शानदार। यहाँ पर देख सकते हैं पार्किंग मोड भी इसमें आता है, यहाँ पास मोड का भी ऑप्शन आता है। इसमें बेसिकली दो मोड हमें देखने को मिल जाता है, एक स्पोर्ट मोड और एक नॉर्मल जो मोड आता है वो, और यहाँ पास हजार्ड का भी सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है। तो इसलिए चलिए हम आपको इसमें जो फीचर है वो हम इसमें दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं साइड स्टैंड जो है वो दिखा रहा है कि साइड स्टैंड लगा हुआ है, अभी जो बाइक जो है वो 98% चार्ज है। और यहाँ पर देखिए क्या लिख करके आ रहा है, प्रेस ब्रेक प्लस मोड स्विच टू स्टार्ट राइडिंग, मतलब कि आप यहाँ से ब्रेक को प्रेस करके और मोड को दबाइएगा तो ये रेडी टू मूव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बाइक को अभी जो है वो स्टार्ट कर दिया हूँ और ये रेडी टू मूव है। आप जैसे ही एक्सलेट करेंगे तो बाइक जो है वो आगे की तरफ से बढ़ जाएगी। और इसमें अगर हम बात करें तो 7 इंच का जो है फुल्ली डिजिटल मीटर कलरफुल स्क्रीन के साथ हमें देखने को मिल जाता है। और इसमें नेविगेशन, कॉल, SMS, जियो फेंसिंग, एंटी थेप अलार्म, USB चार्जिंग पोर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, OTA, एक्सटर्नल स्पार्क वगैरह देखने को, मतलब बहुत सारा फीचर हमें इसमें देखने को मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटरी है वो उसकी परसेंटेज दिखा रहा है कि यहाँ पास बैटरी कितने चार्ज है, 98% अभी जो बैटरी है वो चार्ज है। ब्लूटूथ का सिग्नल यहाँ, नेटवर्क का यहाँ भी, मोबाइल जो आप कनेक्ट करेंगे उसका भी यहाँ पर दिखाएगा इसमें, ईमेल, कॉलिंग, इसमें जियो फेंसिंग जो है वो भी इसमें दिया गया है। यहाँ पास टाइम के साथ डेट वगैरह सब शो करता है। यहाँ पास स्पीडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, यहाँ पास ऑडोमीटर, यहाँ पास एवरेज स्पीड क्या दे रहा है वो, यहाँ पास टोटल जो रेंज है वो शो करता है। मतलब कि काफ़ी देखने में ये खूबसूरत भी लगता है जो मीटर है। यहाँ देख सकते हैं अभी इको मोड में यहाँ पास है और यहाँ एक पावर मोड देख सकते हैं। यहाँ पास अगर मैं देर तक दबा करके रखूँ तो ये पावर मोड में आ जाता है और जो कलर है वो ऑरेंज थीम में चेंज हो जाता है। मतलब कि ये जो है वो पावर मोड में अब आ चुका है। तो पावर मोड में जो है वो बेसिकली रेंज देखिए यहाँ पास कम हो गया, 74 किलोमीटर का आपको रेंज शो करने लगा। वही मैं फिर से आपको दिखा दूँ जो इको मोड में 103 किलोमीटर का जो रेंज है वो आप शो करने लगे यहाँ पास 103 किलोमीटर का। तो ये है टोटल चीज़ यहाँ पास देख सकते हैं। और जैसे मैं इस बाइक को यहाँ साइड स्टैंड जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ साइड स्टैंड में यहाँ पास लगाऊंगा और ये देखिए जो बाइक जो है वो पार्किंग मोड में चला गया। मतलब कि वो काफ़ी इंप्रेसिव फीचर इसमें हमें लगता है। दोस्तों ये था IQube इलेक्ट्रिक का जो स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट का फुल्ली डिटेल्स। और इस बाइक की अगर हम प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो जो पटना में इसका जो प्राइस है वो हमें देखने को मिल जाता है 1,57,000 ऑन रोड। तो दोस्तों ये है फुल्ली इलेक्ट्रिक IQube बाइक।
तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।